साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से वतन वापसी के ऐलान पर शहरियों का मिला जुला रद्दअमल आया है। कहते हैं मियाँ साहब की वापसी से मुल्क की हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ने शानदार इस्तकबाल का अज़्म जाहिर कर दिया। से कुछ भी नहीं हुआ पाएगा तो अब भी कुछ नहीं होगा। उनके केसेस क्लियर हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान का रुख करते हैं। बताएं हमें इनसे, इन्होंने हमारे से लेना क्या है, मुझे बताएं। भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए सब लोगों को। उनके दौर में तकरीबन आवाम बहुत खुशहाल थी। एक सजा याफ्ता जो बंदा है वो आपके मुल्क में आके क्या कह सकते। तो फिलहाल हालात जा रहे हैं ना, वो मियाँ साहब उसको काम कर लें या कोई और सियासी आके काम कर ले, वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्होंने तो पहले ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे क्या काम है उनका इस्तकबाल करना, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या है। हम भी काफ़ी अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएँ और जो उन पे केसेस बने हुए उनका फेस करें। एक मजदूर की तनख्वाह कितनी होती है, वो अपनी दिहाड़ी जाया करके क्यों जाएगा उसके पीछे इस्तकबाल के लिए, मुझे ये बताएं। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क हमारी माशरे को पड़ने वाला या मुल्क को पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, मियाँ साहब की वजह से ये हालात बने हैं तो मलिक साहब आएंगे वही ठीक करेंगे ना। कोई भी मुल्क के लिए मुखलिस साबित नहीं हुआ। आवाम के लिए अच्छा सोचें, उनको रिलीफ दें और महंगाई को कम करें। बिल्कुल नहीं बदलेंगे और ना ही हम जाएंगे। सर महंगाई बहुत है, उन्होंने क्या करना है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, अब मुल्क इनके काबू में नहीं आ रहा। ये जहाँ